लपे आती है दुआ, लपे आती है दुआ, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम जा रहे हैं फैजान इस्लामिक स्कूल सिस्टम में और आज हमारे साथ बदर भाई भी हैं, तो इंशाल्लाह आपको फैजान इस्लामिक स्कूल सिस्टम को भी दिखाएंगे कि कहाँ पे है और किस जगह है, ये आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। अभी हम जा रहे हैं स्कूल में, तो आइए चलते हैं। ताला भी लगाना है बदर भाई। मेरा पाकिस्तान, तेरा पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, मेरी पहचान, मेरी पहचान, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन, मेरे वतन, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। मेरे वतन, मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से। मेरे वतन, मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं से। खजा से तुझको बचा के रखूं, बाहर तुझ पे निसार कर पाकिस्तान का मतलब क्या। अभी हम पहुंच चुके हैं फैजान इस्लामिक स्कूल सिस्टम में, अभी प्रिंसिपल ऑफिस में जाएंगे। ये पी अफरीद भाई हैं माशाल्लाह, ये आमिर निसार भाई हैं हमारे प्रिंसिपल साहब, ये साथ उनके असिस्टेंट हैं, ये माशाल्लाह। जी आमिर भाई, आपसे ना स्कूल के बारे में मालूम देनी थी, ताकि हमारे व्यूअर्स भी जान सकें कि कहाँ पे स्कूल है, कौन सी जगह है, किसका इदारा है। फैजान इस्लामिक स्कूल बेसिकली दावत इस्लामी का एक प्रोजेक्ट है, जिसका स्लोगन क्वालिटी एजुकेशन विद तरबिया, मतलब तालीम दो जहानों के लिए, जहाँ पर दुनिया के साथ साथ दीन पर भी ज़्यादा खूबी तवज्जो दी जाती है। हमारे जो एडमिशन्स हैं वो प्री नर्सरी क्लासेस से लेकर प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी क्लास वन और क्लास टू के लिए हमारे एडमिशन्स ओपन हैं। तो आपके शहर मेलसी के अंदर आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ये एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। जो लोकेशन मेरी हमारे कैंपस की 17 सदर चौक बिलमुकाबल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मेलसी के अंदर हम मौजूद हैं, और नहायत ही मुनासिब फीस के अंदर हम आपको ये सारी सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। ये प्रिंसिपल ऑफिस है और ये बदर भाई बात कर रहे हैं आमिर भाई से, और यहाँ पे इन्हें कुछ नोटिस बोर्ड भी लगाया हुआ है, इसके अंदर ये फीस विली भी लिखी हुई है और सिलेबस भी लगा हुआ है और कुछ कवायद जवाबित भी लगे हुए हैं, ये ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन हो। करते हैं
क्लासेस में आमिर भाई हमें क्लासेस का विजिट करवाएंगे। ये है हमारी क्लास ठीक है। ये देखिए आप सारे के एक्टिविटीज कराई जाती है डेली बेसिस पे, बच्चों से खुद ही बनाते हैं और उसके बाद ही उसे डिस्प्ले कर देते हैं। इससे बच्चों के अंदर जो क्वालिटी होती है एक आगे बढ़ने की और एक आर्ट के हवाले से उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जितने भी आप यहाँ पर आर्ट वर्क देख रहे हैं ये बच्चे खुद डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ ला के डिस्प्ले कर देते हैं। जिस तरह सामने आप देखिएगा कि यहाँ पर हमने कंपेरिजन बताया है थिक में लॉक में लीफ में, मतलब एल से जितने भी हमारे वर्ड यहाँ पर स्टार्ट होते हैं वहाँ पर वो लगाए गए। इसी तरह आप यहाँ पर देखिएगा उर्दू अदब के हवाले से एक आपको एक पूरी एक बारिश एक रेन की सूरत नजर आ रही है, जिसके अंदर आपको एक सूरज मिल रहा है, एक आपको बादल मिल रहे हैं और बूंदों की सूरत के अंदर अलिफ बे पे से सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो आप ये देखिए आपको मतलब इसी खूबसूरत अंदाज के साथ ताकि ये खेल भी सके अपनी एक्टिविटीज क्लास से आप देखिएगा। तो ये सारी चीजें हमारी ये देखिएगा ये हमारे और सारी चीज़ें आपके सामने हैं। वो शब बरात के हवाले से इस्लामिक कंसेप्ट हमने वहाँ पर दिया है कि शब बरात क्या है, हमें इस पर क्या करना चाहिए, किस किस्म की बालसी हम उसमें करते हैं। इसी तरह से आपके सामने देखिए शब मेराज का जो भी हमारे पास इवेंट गुजर था उसके हवाले से हमने यहाँ पर एक्टिविटीज़ की हैं। और यहाँ पर अगर आपका कैमरा मैन दिखाया आपको कि इधर हमने ये देखे ये भी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारा डिज़ाइन है ये बच्चों से ही करवाया जाता है और ये वही करते हैं। शम्मा की सूरत